कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी. रानी मुखर्जी की एक्टिंग काफ़ी कन्विंसिंग थी और बहुत अच्छी थी. द स्टूडेंट्स और रानी मुखर्जी का जो बॉन्ड था, दैट सम थी द थिंग विद जो मूवी को लेके आया. बहुत अच्छी मूवी थी. बहुत ही सॉन्ग ओ एच की बहुत अच्छा था. आई रियली लाइक दैट. ट्रेलर को देख के क्या लगा? ट्रेलर से ज़्यादा मुझे ट्रेलर में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. ट्रेलर वॉज नॉट दैट कन्विंसिंग. इट जस्ट कि हम यहाँ पे आए तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं, लेट जस्ट डू समथिंग. एंड आई लाइक द बहुत अच्छा कम बैक था रानी मुखर्जी का. हाँ, एंड आई वुड लाइक टू गिव 3.5 स्टार्स. हिचकी बहुत फैंटास्टिक, वेरी नाइस मूवी. एक्टिंग माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब. जो उन्होंने किरदार किया है, वो रियलिटी जो झलकता है उसके अंदर कि वो है, और वाकई बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है. और मुझे अच्छा लगा उनकी भी, मतलब फुल सॉन्ग तो सुपर ऊपर हिट है. बहुत ही अच्छे लगे, जैसे लगता है नाचने का मन लगता है उसमें, कि जिस प्रकार के सॉन्ग्स हैं बहुत ही अच्छे लगे. मेरे ख्याल से 5/5. हिचकी बहुत अच्छी, रानी मुखर्जी का कमबैक मूवी है और एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है. तो ये जो सिंड्रोम है इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है और वाकई कमबैक उन्होंने काफ़ी दमदार दिया है रानी मुखर्जी ने. काफ़ी अच्छी मूवी थी. बिल्कुल रानी मुखर्जी का जो एक्टिंग है वो इतना काफ़ी इतना अच्छा था कि वो एक्टिंग ही, स्टोरी तो अच्छी थी लेकिन उसकी एक्टिंग भी ऑडियंस को बांध कर रखती है. एंड तक जी बिल्कुल खरी उतरी है. सॉन्ग्स भी अच्छे हैं. सॉन्ग्स को तो वैसे भी पहले से ही काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, तो सॉन्ग्स भी अच्छे थे. ऑब्वियसली फ्रेंड्स को एडवाइस दूंगी, रानी मुखर्जी ने एक बहुत अच्छा दमदार कमबैक किया है, तो ऑब्वियसली सबको देखनी चाहिए मूवी. काफ़ी अच्छी मूवी है. 4. थैंक यू. मुझे उसका ट्रेलर देख के ही पता चल गया कि वो बहुत हिट जाएगी, और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि माँ प्लीज़ मुझे वो मूवी देखनी है. और वो रानी मुखर्जी का वो ऐसे स्टाइल था वो भी बहुत अच्छा था, और सॉन्ग भी बेस्ट थे. मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसको 4 स्टार दूंगा. हाँ दूंगा. हाँ बहुत अच्छी थी. मेरी एक्टिंग बहुत अच्छा था एंड इट इज़ इंस्पिरेशनल फॉर पीपल टू वॉच द मूवी. ट्रेलर देखा है मैंने, जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन ही देखा था. अच्छा, वो हिसाब से खरी उतरी है मूवी. हाँ, रानी मुखर्जी की एक्टिंग के बाद तो किस तरह का एक्टिंग था उनका? बहुत अच्छा एक्टिंग था, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था पर अच्छा था. अच्छा, सॉन्ग किस तरह के लगे आपको? सॉन्ग्स भी अच्छे थे. आउट ऑफ 10 कितना स्टार देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 5. आउट ऑफ 5 3.5. Excellent. How was the movie, ma'am? Very good. Very much. Yeah. Like, how convincing Rani Mukherjee's acting in this picture? Very good. Yeah. Is it pass any message or something like that? Yeah. Starting with the question, sir. First is her Tourette's, and the next one is the teacher and student relationship. Is if teacher is good, everything will be good. Ma'am, it's about the direction. How was the direction? Ma'am, it's a comeback movie of Rani Mukerji. Are you satisfied with the performance? Yes, very good. How much star you like to give out of 5? Huh? How much star you like to give out of 5? Out of 5. 5 out of 5. Thank you. How was the movie? Excellent. Absolutely. Can you come in the TV or no? Because every time I give an interview, I never come. It was superb, very nice, and I recommend very strongly that people should. I rate 4.5 out of 5. Thank you. Which movie have you seen? Hichki. How was it? It was good. It was amazing. Very beautifully done. Amazing actor. We talk about the direction and the song. How was it? Direction was amazing. Songs were like very less songs. Less songs and slow songs. So take it. Should we take it as a pretty emotional kind of movie? Yeah, emotional. Yeah. I would say emotional. I cried 3 to 4 times. So yeah. Yeah. So would you like to watch it one more time or something, or like some suggesting some other thing? Yeah, I'll suggest my friends to of course go and watch. Definitely a one time watch, but yeah.
nice movie. Last year, how many stars would you like? 3.5. Thank you. Hichki देखी मैंने. बहुत अच्छी फिल्म है और सबसे ज़्यादा जो है जैसे सब लोग बोल रहे थे कि रानी का कमबैक होने वाला है उनका किरदार बहुत ही अच्छा है फिल्म में और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी फिल्म. ट्रेलर तो मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे ओके लगा लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी स्पेशली जो है फैमिली के साथ आप फिल्म देख सकते हो और बच्चों को स्पेशली दिखानी चाहिए. एक्चुअली टीचर और स्टूडेंट की बहुत अच्छी केमिस्ट्री फिल्म में दिखाई गई है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा. वो एक सस्पेंस है और अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. वो क्लाइमैक्स में अभी